सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिंदास एजुकेटर। तो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट क्या होती हैं, क्या उनका फंक्शनिंग होता है। तो वो सारा इंट्रोडक्शन हम आज वाले लेक्चर में करेंगे, और इसमें भी लास्ट इस कंसेप्ट के, या फिर आज वाली जो ये वीडियो है इसके लास्ट में जाके एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको कंसेप्ट मिलेगा, जिसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल विथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? एक्चुअल में आपने बहुत सारे फील्ड के नाम सुने होंगे, जैसे कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट डज दैट टर्म फील्ड मीन्स? ठीक है, तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ फिजिकल क्वांटिटी अराउंड विच सेम टाइप ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज फील्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जहां पर उसके टाइप की दूसरी चीज को कोई फोर्स फील होता है, तो वो उस टाइप की चीज का फील्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक चार्ज को हमने किसी दूसरे चार्ज के पास रख दिया, तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगा क्योंकि आपने 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें आपने टीचर ने बताया होगा कि जो चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज रख दें, यानी कि ये दोनों चार्ज, ये इधर से एक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरी साइड से दूसरा चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो यानी कि पहले वाले चार्ज को दूसरे वाले चार्ज के फील्ड की वजह से फोर्स फील होगा, और सेकेंड वाले चार्ज को फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से फोर्स फील्ड होगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने वाली सबसे ज़्यादा ये होती है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूसरी क्वांटिटी वो फील करेगी जो खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड। नाउ द सेकेंड टर्म इज फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स ऑन अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू अनदर सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दैट फिजिकल क्वांटिटी इज फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो Q1 की फील्ड इंटेंसिटी Q2 पर क्या होगी? दैट विल बी फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन Q2, मान लीजिए कोई फोर्स था F2, फोर्स ऑन Q2 डिवाइडेड बाय Q2, यानी कि दिस चार्ज इट्सेल्फ, दिस विल बी द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q1 एट दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मैग्नेट इज इट्स पोल। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मैग्नेट इज इट्स पोल स्ट्रेंथ, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि चार्ज के केस में हम चार्ज लेते हैं, उसके फोर्स को डिवाइड करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया चार्ज के केस में, वो हम चार्ज लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी निकालने के लिए फोर्स को हम मास से डिवाइड करेंगे, तो वहां पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में हमारी क्वांटिटी होगी चार्ज। सिमिलरली, अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, तो वहां पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी पोल स्ट्रेंथ। एंड व्हाट इज दैट पोल स्ट्रेंथ, वो अभी आ जाएगा आगे। ठीक है, चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेट्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, वो आप सबने सुना ही होगा, या तो नेचुरल होंगी या फिर आर्टिफिशियल होंगी। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटाइट और लॉर्ड स्टोन। ठीक है, जो नेचुरल मैग्नेट होती है उनको हम मैग्नेटाइट या फिर लॉर्ड स्टोन भी बोलते हैं। इट इज ओर ऑफ Fe3O4। Fe3O4 इज आयरन ऑक्साइड, जिसे कि मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोलते हैं। ये दो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन से मिलकर बना होता है, Fe2O3 एंड FeO। दीज टू ऑक्साइड्स टूगेदर दे कंबाइन एंड दे फॉर्म Fe3O4। और ये इस मैग्नेट में या फिर इस आयरन ऑक्साइड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसने दूसरी मैग्नेट्स को, यानी कि इसने एक अट्रैक्टिव फोर्स बिल्ड कर लिया, या फिर हम बोले कि ये मैग्नेट जो है, ये आयरन की ऑक्साइड जो है, ये मैग्नेट कैसे बनी, दैट यू विल लर्न इनटू, ऑल्दो यू विल लर्न इनटू सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है 12th स्टैंडर्ड में, जहां पर आपको ये पैरा मैग्नेटिक वगैरह और ये मैग्नेटिक जितनी भी सारी चीज़ें, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ऐसा नेचर डेवलप क्यों हुआ ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनके शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स की वजह से पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सारे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। सो यू विल लर्न देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलिए,
नाउ नेक्स्ट इज ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ एंड इरेगुलर शेप एंड साइज इट कांट बी यूज प्रैक्टिकली. देखिए नेचुरल जो मैग्नेट्स होती हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उन्हें हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं. उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एक तो उनकी इरेगुलर शेप और उनकी वीक अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ. एक तो उनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी वीक है, दूसरा उनका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, जिसकी वजह से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उनके अराउंड नहीं मिल पाता हमें, और जिनकी वजह से उनका जो फील्ड होगा या फिर उनका जो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है या पावर ऑफ रिपल्शन जो होगी मैग्नेट की, दैट विल बी वीक, यानी कि वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी. Now the next thing is artificial magnet. Artificial magnet की अगर बात करें तो artificial magnet में सबसे पहले हम पढ़ेंगे bar magnet. Bar magnet आप सबने देखा होगा, एक stick की तरह होती है, ठीक है, like this. This is example of bar magnet. ठीक है, चलिए bar magnet के बारे में पढ़ लेना. What is bar magnet? A bar magnet is having two magnetic poles, north and south. देखिए जो bar magnet होगी उसके दो pole होंगे, एक north pole होगा एक south pole होगा, ठीक है. और वो पता कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई भी बार मैग्नेट है, पहले उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसको आप हैंग कर दो, एक थ्रेड से बांध के उसको हैंग कर दो. फॉर एग्जांपल दिस इज अ बार मैग्नेट, तो मैं इस पेन को बिल्कुल बीचों बीच में से अगर बांध के हैंग कर दूं, तो इसकी जो ओरिएंटेशन होगी बार मैग्नेट की हमेशा नॉर्थ एंड साउथ होती है, कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है. तो जो पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा दैट इज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की डायरेक्शन में होगा दैट इज साउथ पोल, ठीक है. So a bar magnet is having two magnetic poles, north and south, or magnetic poles of bar magnet are those points where attractive strength of bar magnet is maximum and same. ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि bar magnet is maximum and same, क्योंकि maximum होती है north and south direction में, तो वो north and south में ही खुद को align कर लेती है, ठीक है. और दोनों पोल्स पर जो magnetic strength होती है वो maximum होती है poles पर, ठीक है, और दोनों poles पर ही वो same होती है. चलिए, यूनिपोल इन बार मैग्नेट डजंट एग्जिस्ट इफ वी कट अ बार मैग्नेट इनटू पीसेस, ईच एंड एवरी पीस हैव नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल. ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि कभी भी मैग्नेट में यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारे पास ऐसी बार मैग्नेट आ जाए जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो, या फिर कोई ऐसी मैग्नेट आ जाए जिसमें सिर्फ साउथ पोल हो. हमेशा अगर मैं इस मैग्नेट के पीस भी कर दूंगा, तो कितना भी छोटा पीस करूंगा, तो उसमें भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है. तो यूनिपोल यानी कि एक सिंगल पोल कभी भी मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मैग्नेट, ठीक है. पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया. पोल स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा, पोल स्ट्रेंथ दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी इन केस ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स. तो पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. यानी कि मैग्नेट का, अगर मैं इस मैग्नेट को कट कर दूं और कट करके इसको ऐसे करके देखूंगा, सो दैट एरिया दैट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया. और जो मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, यानी कि मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा पोल स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है. पोल स्ट्रेंथ कभी भी मैग्नेट के लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, और ये अभी आगे जाके आ भी जाएगा. चलिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बार मैग्नेट बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 0.9 टाइम्स ऑफ इट ज्योमेट्रिकल लेंथ. मान लीजिए आपने कोई जो मान लीजिए आपके पास कोई एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए फॉर दिस पेन इज अ बार मैग्नेट, ठीक है. तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी वो होगी इसकी फुल लेंथ फ्रॉम इट्स टॉप टू बॉटम, ठीक है, बिटवीन इट्स टू बोथ एंड्स. लेकिन जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है, यानी कि जहां पर हम ये ज्यूम करेंगे कि इसमें एक साउथ पोल होगा एक नॉर्थ पोल होगा, वो बिल्कुल टिप पर लास्ट में नहीं होती है, थोड़ा सा अंदर होती है, मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर होती है. एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स, मान लीजिए यहां पर इस मैग्नेट से थोड़ा सा अंदर नॉर्थ पोल था और इधर थोड़ा सा अंदर एक साउथ पोल था, तो इन नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में, बिटवीन दीज नॉर्थ एंड साउथ पोल, द लेंथ इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लेंथ, एंड दैट इज 0.9 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ, यानी कि जो उसकी मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ थी उसके 0.9 टाइम्स जो होता है मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप सबने सुना होगा, लाइक पोल्स रिपेल एंड ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये आप सबने सुना होगा, सिमिलर टू चार्ज, जैसे चार्जेस होते हैं,
सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई दो बार मैग्नेट लेते हैं और ये बार मैग्नेट मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल है, तो अगर इसके पास में दूसरी दूसरी बार मैग्नेट का अगर हम नॉर्थ पोल लेकर आएंगे तो दीज बोथ द पोल्स आर ऑफ सेम नेचर, नॉर्थ पोल, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड इफ विल ब्रिंग दिस साउथ पोल्स टुगेदर देन दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज द पोल द पोलैरिटी इज ऑपोजिट इन दैट केस। जैसे कि अगर साउथ पोल है, साउथ पोल के पास अगर हम नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो दे विल अट्रैक्ट नॉर्थ एंड साउथ, और अगर इस नॉर्थ पोल के पास दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल लेके आएंगे तो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट साउथ एंड नॉर्थ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बार मैग्नेट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। If a bar magnet is cut into two pieces, then pole strength of each part is, ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं। When it cut along its length, जब हम इसको इसकी लेंथ के अलोंग काटें, या फिर when it is cut for along for its area। एक में हमने लेंथ के अलोंग काटा, यानी कि इसको ये जो बार मैग्नेट है इसको पूरी लेंथ के इसके दो पीसेस कर दिए, ठीक है। तो इस केसेस में जो बार मैग्नेट होगी उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया विल बिकम हाफ। पहले इतना सारा एरिया था, अब एरिया जो है वो हाफ हाफ बचा, ठीक है। तो यानी कि अगर एरिया हाफ हो गया, और अभी हमने जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें वी स्टडीड दैट द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट डिपेंड्स ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ, तो अगर एरिया हाफ हुआ तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। नाउ द सेकेंड केस इज इक्वली ऑपोजिट, वेन इट इज कट अलोंग इट्स एरिया। अगर एरिया के अलोंग काट देंगे, यानी कि क्रॉस सेक्शनली अगर हम इसको काट देंगे, मैग्नेट को काट देंगे, यानी कि एरिया पे कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन एरिया, और अगर एरिया में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। बेसिकली हमने क्या किया, इस वाली मैग्नेट को जब हमने काटा तो इसकी जो लेंथ थी वो हाफ हो गई है। देखो इसको दो इक्वल पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया, बट स्टिल देयर इज नो चेंज इन द पोल स्ट्रेंथ बिकॉज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। अभी भी मैग्नेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैसा ही है जैसा पहले था। तो यहां पर इस केस में मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए नाउ द नेक्स्ट केस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक्चुअल में कभी भी ऐसा हम देख नहीं सकते, उनको सिर्फ फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कभी भी दिखता नहीं है, वी कैन जस्ट फील इट। अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ नीचे आती है, एंड इफ दैट थिंग इज कमिंग डाउन दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर बट वी कांट सी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज ऑल्सो एन इमेजिनरी कंसेप्ट जो कभी भी हमें दिखाई नहीं देंगी, वी कैन जस्ट फील देम। और वो कैसे फील करते हैं, कभी भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो दे विल रिपेल, लेकिन उनके बीच में क्या हो रहा है वो कभी हमें दिखता नहीं है। इसका मतलब इस मैग्नेट का कुछ ना कुछ एरिया था वहां पर जहां पर इसका इन्फ्लुएंस था, और इसके इन्फ्लुएंस में अगर दूसरी मैग्नेट को हम लेके आते हैं तो दैट विल रिपेल। इसका मतलब उसके आने से इस मैग्नेट पे फर्क पड़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग, और हमने उस समथिंग को नाम दिया दैट देयर एग्जिस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से ही ये मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट देम। दीज लाइन्स आर यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। पहली लाइन जो हमने डिस्कस कर ली, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। ओके, फॉर अ बार मैग्नेट फील्ड लाइन्स कम्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इन टू साउथ पोल। ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है तो उसकी जो इमेजिनरी फील्ड लाइन्स होंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल से वो लाइन्स जो है वो ओरिजिनेट होंगी, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, एंड दे विल एंटर इनटू साउथ पोल, और साउथ पोल में जाकर साउथ पोल में चली जाएंगी। सिमिलर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर नॉर्थ पोल वी कैन अज्यूम इट एज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में चली जाती है। तो सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट साउथ पोल एज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड यू इन अ बेटर वे इन रिगार्ड ऑफ विद कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इन टू द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ठीक है, तो मैग्नेट के बाहर अगर हम बात करें, मैग्नेट के बाहर अगर हम बात करें तो मान लीजिए नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर दे हैव टू फॉर्म क्लोज लूप, तो साउथ टू नॉर्थ. इनसाइड द मैग्नेट दे विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो इस तरीके से दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फॉर्म अ क्लोज लूप. और नेक्स्ट पेज पे हम डायग्राम भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे व्हेन आई विल ट्राई टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ गिवन बार मैग्नेट. इट मीन्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, सो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर नॉट डिफाइंड. सो अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, उस पर कोई इंसान गोल गोल घूम रहा है, काफी देर से गोल गोल घूम रहा है. सो इफ आई आस्क यू फ्रॉम वेयर दैट मैन स्टार्टेड, सो यू कांट मेक इट आउट. ना आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं, ना आप उसका एंड पॉइंट बता सकते हैं. सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, एज दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप, सो देयर एंड पॉइंट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स आर नॉट डिफाइंड. डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लूप बनाएगी, उस लूप के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो दैट टेंजेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इन द गिवन स्पेस फॉर दैट बार मैग्नेट. और ये भी आपको नेक्स्ट पेज पर अच्छे से समझ में आएगा. Now, denser magnetic field means more magnetic, denser magnetic field lines. देखिए, जहां पर denser magnetic field lines होंगी, यानी कि जहां पर density उनकी ज्यादा होगी, तो density, magnetic field lines की density ज्यादा होने का मतलब वहां पर जो magnetic force होगा, magnetic field होगा, बहुत ज्यादा strong होगा. लेकिन अगर कहीं पर जो magnetic field lines हैं, they are rare, rare मतलब बहुत ज्यादा gap है उनके बीच में, बहुत ज्यादा dense नहीं है, less density है, so the magnetic field line will also be less, और वहां पर जो area होगा, वहां पर magnetic force का existence भी less ही होगा. Now the next point is magnetic field line. Magnetic field lines can come out of any angle from North Pole and enter at any angle at South Pole. ठीक है, तो ये वाला point at any angle वाला, और ये direction to the tangent any point at magnetic field represents its direction of magnetic field at that point. ये दोनों point अभी हम जब diagram पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएंगे. चलिए, for example, this is a bar magnet, this is North Pole and this is South Pole. तो अगर North Pole और South Pole हम ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल को हमने माना है पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट, साउथ पोल को हमने माना है नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट. इसका मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड दे विल गो इन साउथ. नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी और साउथ में चली जाएंगी. सिमिलरली अगर मैं इस साइड से भी ऐसे बना दूं, ठीक है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी एंड दे विल गो इन टू साउथ. सिमिलरली बहुत सारी जो होंगी लाइंस जो है, बहुत सारी ओरिजिनेट हो रखी होंगी. And they all will follow the same track. They will all follow the same track. ठीक है? So in similar way, like this, from both the sides, they will go in the same direction or in the same feature. They will go from north to south. ठीक है, तो बहुत सारी नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही होंगी और बहुत सारी साउथ में आ रही होंगी. ओके, सो दीज आर बेसिकली द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिखेंगी. ठीक है, दिस पैटर्न वी हैव ड्रॉन आउटसाइड द बार मैग्नेट. लेकिन अगर बार मैग्नेट के अंदर की बात करें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप बनाना है, तो नॉर्थ से साउथ वो ट्रेवल कर चुकी है, तो इनसाइड द मैग्नेट दे विल गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. दे विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी, मान लीजिए आप ऐसे, हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से जुड़ी होंगी, मतलब पूरी की पूरी एक क्लोज लूप होगा हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का. सो दीज आर दीज बाय दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब हम बात करते हैं टेंजेंट वाले की. अब टेंजेंट वाले में मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो हमें इस पॉइंट पे पता करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और अगर इस लाइन के डायरेक्शन में हम इस पे टेंजेंट बना देंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. ठीक है, अगर हमें यहां पर पता करना है, मान लो यहां पर पता करना है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमिंग आउट, सो एट दिस डायरेक्शन टेंजेंट
will represent the direction of magnetic field at this point O and here at this point O. For example, at this point we have to represent the direction of magnetic field. So this magnetic field line is coming aur yahan par iski direction se agar tangent bana denge, so this will be the direction of magnetic field line at this point O. ठीक है, इस तरीके से. Now देखिए, जहां पर जितने दूर मैग्नेट से जाते जाएंगे उतना गैप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में बढ़ता जाएगा, यानी कि इनकी डेंसिटी कमजोर होती चली जाएगी. दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम वीक एंड वीक. लेकिन जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, देखिए पोल्स पर, नॉर्थ पर बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है, साउथ पोल पर बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है. चलिए, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, द फर्स्ट सोर्स इज मैग्नेट इटसेल्फ. मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है. तो मैग्नेट अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, यानी कि अगर कहीं पे मैग्नेट रखी हुई है तो उसने अपने चारों तरफ अपनी इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से एक स्पेस बना दिया होगा, और जिस स्पेस में उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस हम फील कर सकते हैं. या तो हम कोई ऐसा मटेरियल ले आए जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह कोई मेटल, और अदरवाइज वी कैन ब्रिंग इन अदर मैग्नेट टू फील द इफेक्ट ऑफ दैट मैग्नेट, यानी कि उसके मैग्नेटिक फील्ड को फील करने के लिए हमें कोई दूसरी ऐसी चीज लानी पड़ेगी जो खुद मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करती हूं. नाउ द नेक्स्ट इज करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग वायर भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करता है. करंट कैरिंग वायर भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में कौन फ्लो करता है? करंट तब फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. यस, ट्रू. ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी चार्ज, एनी मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. नाउ थर्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल. ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल भी है तो भी वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और करंट कैरिंग वायर ने क्यों किया? क्योंकि करंट कैरिंग वायर के अंदर भी एक्चुअल फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन आर चार्ज पार्टिकल्स, सो इस वजह से करंट कैरिंग वायर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. नाउ द फोर्थ इज अर्थ. अर्थ को आपको पता ही है, जियो मैग्नेटिज्म, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ के कोर में एक लिक्विड मटेरियल है जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर ही जब कभी भी आप नॉर्थ और साउथ पोल के अलोंग, जब भी आप कभी मैग्नेट को इंक्लाइन करके देखते हो, तो जैसे ही मैग्नेट को हम इंक्लाइन करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ में इंक्लाइन हो जाती है. लेकिन एक्चुअल में ये जो एंगल है वो परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है दे आर शिफ्टिंग, धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रहे हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये बात की बात है. दिस इज अ एरिया ऑफ फील्ड ऑफ रिसर्च नाउ डेज. इट्स वेरी लाइक यू कैन से द हॉट टॉपिक फॉर नाउ डेज. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज शिफ्टिंग. ठीक है, we'll come on this topic later. Now the fifth is time varying electric field. Time varying electric field यानी कि कोई ऐसा electric field जो time के साथ change हो रहा है. That variation time varying electric field will also generate magnetic field. यानी कि magnetic field और electric field दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है. अगर electric field time के साथ vary करेगा तो it will generate magnetic field. और ये magnetic और electric field का जो relation होगा, इस magnet और electric field के relation के basis पर ही आप जनरेटर और जो ये इन्वर्टर एंड सॉरी जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ऑल जो चीज़ें काम करती है वो इसी बेसिक कंसेप्ट्स पर काम करती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से यानी कि मैग्नेट को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, देयर बाय वी कैन क्रिएट पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं तो वी कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो एंड देयर बाय वी कैन जनरेट करंट. सो देयर इज अ कंसेप्ट एंड दैट वी विल स्टडी इन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से अगला वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. करंट कैरिंग वायर डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. करंट कैरिंग वायर जो होगा अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज एक्चुअल में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल ओवरऑल अगर हम उस वायर को देखेंगे सो दैट वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और कोई भी न्यूट्रल चीज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसे चार्ज होना पड़ेगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज.
तो जब तक वो चीज चार्ज नहीं होती वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी. सो एज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर डजंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ एज इट इज न्यूट्रल बॉडी, बट इनसाइड अ करंट कैरिंग वायर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. यस बिल्कुल. देखिए एक्चुअल में हम 10th स्टैंडर्ड में जब हम करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि हमने पोटेंशियल लगाया, उस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन पे धक्का लगा. लेकिन एक्चुअल में अगर ये वायर है और हमने इसके दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो ऐसी क्या चीज थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग गया, पुल लग गया. सो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से उस वायर के अंदर स्टैब्लिश हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा एंड इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया. यानी कि किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा. एंड सिमिलरली एज वी स्टडीड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सिमिलरली सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑल्सो इमेजिनरी कंसेप्ट और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स खत्म हो जाती हैं, ऐसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं जाकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं. ठीक है, तो लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप. वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे फॉर्म क्लोज लूप, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ पे आती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं. सो दे फॉर्म अ क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस लिटिल. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ बिकॉज इट इज हैविंग मूविंग चार्ज पार्टिकल. जी हाँ, ऑल दो ये जो वायर था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड इटसेल्फ. सो अ करंट कैरिंग वायर इज हैविंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउटसाइड द वायर बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इनसाइड द वायर इट इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव कर रहे थे. हियर यू विल स्टडी इट इन अ बेटर वे, वेरी बेटर वे, और यहीं से इसी के ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए एक चार्ज है, दैट चार्ज Q1 चार्ज, दिस चार्ज इज मूविंग एंड दिस Q2 चार्ज इज एट रेस्ट. तो आपको पता है मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन अगर वो मोशन में आ गया यानी कि मूव करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो. सो जो ये मूविंग चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये चार्ज जो है रेस्ट पर है, सो इट विल ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता अंटिल एंड अनलेस इट इज इन मोशन. सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है. सो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट कर सकता है. इसका पास मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन Q2 के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए ये Q2 इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी दो चीजें वो इंटरैक्ट करती हैं जिनका नेचर सेम होता है, दैट फिजिकल क्वांटिटी शुड बी सेम. लेकिन यहां पर देखिए इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज दोनों के पास सेम फिजिकल क्वांटिटी है. लेकिन इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. नाउ इन सेकंड केस अगर हम देखते हैं, हमारे पास दो चार्ज है, दोनों मूविंग चार्ज हैं, यानी कि दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा बाय डिफॉल्ट बिकॉज दे आर चार्ज. तो कोई भी चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा. अब ये दोनों के दोनों मोशन में हैं, तो इसका मतलब इन्होंने अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर लिया. यानी कि इस केस में इन दोनों पर क्या क्या एग्जर्ट करेगा, बोथ विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ दिस इज द थर्ड केस. थर्ड केस में करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर के बगल में हमने एक चार्ज रख दिया क्यू. चार्ज इज एट रेस्ट. अब देखिए चार्ज रेस्ट में था, चार्ज रेस्ट में होने का मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा. लेकिन ये चार्ज स्टैटिक है लेकिन चार्ज है, तो इसलिए इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा. लेकिन अगर हम करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं, तो करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और न्यूट्रल कोई भी चीज कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करती. लेकिन ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जरूर जनरेट कर देगा बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे
और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, यानी कि इतने सारे चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर बनेगा। तो अगर हम इन दोनों में फोर्स की बात करें, क्या ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। और क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इनके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सेम नहीं है। इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था, जो इसके पास है इसके पास नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहीं पर अगर हम फोर्थ केस लेते हैं, फोर्थ केस में एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, और एक चार्ज है लेकिन चार्ज इस बार मूव कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज के पास, मूविंग चार्ज के पास दोनों चीजें होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन करंट कैरिंग वायर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और अब तो हम इतनी बार बात कर चुके हैं, आपको याद ही हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और कोई भी न्यूट्रल चीज कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती। सो करंट कैरिंग वायर के जो बाहर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपस में सेम फिजिकल क्वांटिटी हो गई दोनों, सो both of them this wire will experience force due to this charge and this charge will experience magnetic force due to this wire, so dono par equal and opposite direction mein magnetic force exist hoga. Ab wo attractive hoga ya repulsive hoga, that depends on the polarity of that force, application of that force, aur kaun si direction mein force lagta hai, kaise lagta hai, that we will study in later upcoming videos. Now the fifth is, हमने एक बहुत सारा एक इलेक्ट्रॉन की रे ले ली, इलेक्ट्रॉन रे मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लाइन में चल के आ रहे हैं वेलोसिटी वी से, और सिमिलरली बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आपको पता चलेगा बाद में व्हेन यू विल स्टडी रेडियो एक्टिविटी इन क्लास 12th, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं, सो दीज गामा पार्टिकल्स आर ऑल्सो चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल है, दोनों ही साइड में हम देख सकते हैं कि इधर भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इधर भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो दोनों ही जो चार्ज पार्टिकल जो होता है वो आपको पता है दोनों चीजें एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जर्ट करेगा, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और यहां पर जो अल्फा पार्टिकल्स है उनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो इन दीज केसेस बोथ आर हैविंग द फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो दोनों क्वांटिटीज प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों पर दोनों के दोनों फोर्स एग्जिस्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर एग्जर्ट करेगा, किसकी वजह से, अल्फा पार्टिकल की रे की वजह से, और अल्फा पार्टिकल्स पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एग्जर्ट होगा इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू इस इलेक्ट्रॉन रे की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की जो ये रे आ रही है, इनका जो पूरा चेन आ रही है इनकी वजह से। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम दे विल एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। सो हियर वी फिनिश टूडेज वीडियो, और इस वीडियो में हमने जितनी भी बात करी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफिशियली बायट सेपरेट लॉ से हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, एटलीस्ट 2 to 3 questions इट विल गिव यू इन योर नीट एग्जाम्स, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम JEE पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, and you can join our telegram channel also, group also, and there on channel we'll be providing all these notes from these videos, whatever we taught in this video, and you can directly ask doubt from the educators through our telegram group. So thanks for watching the video, thanks a lot.